हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन पूजा महाविद्यालय की ओर से आयोजित ऑनलाइन कक्षाओं में। दोस्तों ये अपनी चौथी क्लास होगी और इसमें चर्चा चल रही थी अपने भूषण के कविता की। भूषण ने जो कवित लिखे थे उसे मैं अपन ने क्या दो कवित पढ़ लिए थे या दो कवित पर अध्ययन कर लिया था। उससे आगे के बिंदु पर आज अपन इस क्लास में क्या करेंगे, विस्तार से अध्ययन करेंगे। देखिए तीसरा कवित, वेद राखे विदित पुराण प्रसिद्ध राखे, राम नाम राख्यो अति रसना सुघर में, हिंदुन की चोटी रोटी राखी है सिफाही की, कांधे में जनेव राखियो माला राखी घर में, मीड़ी राखी मुगल मरोड़ी राखी पातशाही, बेरी पीसी राखे वरदान राखियो कर में, राजन की हद राखी तेग बल शिवराज, वेद राखे देवल सौधर्म राखियो घर में। तो यहाँ पर शिवाजी महाराज के पराक्रम की वीरता का वर्णन करते हुए या पराक्रम या वीरता का वर्णन करते हुए क्या कह रहे कि शिवाजी ने अपने हिंदू धर्म की जितनी भी संस्कृति थी उस संस्कृति का यहाँ पर क्या किया था, मुगलों से रक्षण किया था या बचाया था। जैसे क्या क्या उस टाइम पर मुगल क्या करते थे, मुगलों में जैसे एक आतताई एक अत्याचारी हुए थे औरंगजेब, तो वो क्या जबरन हिंदुओं को मार मार करके मुसलमान बना रहे थे, हिंदुओं के वेद पुराण उनको जला रहे थे, या है हिंदुओं के जो मंदिर थे मंदिरों को तोड़ा जा रहा था, हिंदुओं के देवताओं की मूर्तियों को खंडित किया जा रहा था। तो उन सब अत्याचारों का विरोध करने के लिए हमारे भारत में एक महापुरुष आए थे जिनका नाम क्या था, शिवाजी महाराज। उसी का यहाँ पर क्या किया है, वर्णन किया है। वेद राखे विदित, शिवाजी महाराज ने मुगलों से वेदों को बचा कर रखा, संरक्षित रखा, पुराण प्रसिद्ध रखे और पुराणों को भी। तो इस प्रकार से पहली पंक्ति तो यही कहती है कि शिवाजी महाराज ने मुगलों से या मुसलमानों से, जो मुसलमान या मुगल वेदों को और पुराणों को जला रहे थे उन वेद और पुराणों को उन्होंने मुगलों से क्या किया, रक्षित किया या बचाया। ठीक है, राम नाम राख्यो अति रसना सुघर में, और राम के नाम को अपने मुंह से लेकर के प्रसिद्ध बनाया, अर्थात सभी को राम के नाम को उच्चारित करवा करके राम के नाम का रक्षण किया। और इस प्रकार शिवाजी महाराज ने अपने मुख से राम राम बोल करके या लोगों को राम के नाम को जप करके बचाने का क्या दिया, उपदेश दिया। हिंदुओं की चोटी, उस टाइम पर हिंदुओं की जो संस्कृति होती थी ब्राह्मणों की चोटी रखने की, तो उन चोटियों को भी काटा जा रहा था, किसमें, मुगलों की सेना में। तो हिंदुओं की चोटी सेना में हिंदुओं के जो चोटी थी उसको, चोटी काटने की परंपरा को उसने क्या किया, बदला या उस हिंदू की चोटी को बचाया काटने से। ठीक है, रोटी राखी सिपाहियों की, और सिपाहियों की रोटी जो मुगलों की सेना में जो सिपाही हुआ करते थे उनकी आजीविका को उन्होंने क्या किया, संरक्षित किया या बचाया। ठीक है, कांधे में जनेव राखियो माला राखी घर में, और कांधे में हिंदुओं को कांधे में जनेव धारण करने का क्या दिया, हौसला दिया, और माला राखी घर में, और माला हिंदुओं की संस्कृति में जो जनेव, जो ब्राह्मण लोग जनेव धारण करते हैं, तो कंधे पर जनेव धारण करने का संदेश दिया। और इसके अलावा माला राखी घर में, और माला गले में माला धारण करने का भी क्या दिया, उन्होंने संदेश दिया, या जनेव और माला को धारण करने की हिंदुओं को सीख दी, किसने, शिवाजी महाराज ने। ठीक है, मीड़ी राखे मुगल, इस प्रकार से मुगलों को मीड़ी दबा करके रखा। इस प्रकार से जो तत्कालीन शिवाजी के समय
जो मुगल थे, मुगल शासक थे, एक मुसलमान थे, उनको मीडी, मीडी का मतलब होता है दबा करके, उन्होंने रखा अपने वश में, रखा अपने नियंत्रण में रखा। मरोड़ी राखे पातशाह, पातशाह का मतलब होता है बादशाह, और उस समय के जो बादशाह थे, एक मुगल बादशाह थे, एक औरंगजेब, औरंगजेब को मरोड़ करके अपने नियंत्रण में रखा। मरोड़ी यानी अपने वश में रखा या अपने नियंत्रण में रखा, नियंत्रण में रख करके उसके अभिमान को क्या किया, चूर चूर किया। तो देखो दोबारा, मीड़ी राखे मुगल, मुगलों को उन्होंने अपने नियंत्रण में दबा करके रखा, और मरोड़ी राखे पातशाह, और शिवाजी ने जो बादशाह थे एक मुगलों के, औरंगजेब, औरंगजेब को मरोड़ करके रखा या अपने नीचे दबा करके रखा, अर्थात उसका अभिमान चूर चूर शिवाजी ने किया। बेरी पीसी राखे बेरी, इस प्रकार से जितने भी शत्रु थे, बेरी यानी शत्रु, जितने भी बेरी थे किसके, शिवाजी महाराज के, उन बेरियों को शिवाजी महाराज ने क्या, पीस करके रखा या अपने नीचे रखा, अपने अधीन रखा। वरदान राख्यो कर्मे, और वरदान और सभी को दान करने का सामर्थ्य रखा, सभी को वो दान दिया करते थे। तो सभी बैरियों को, सभी शत्रु को उसने पीसा या उनका दलन किया, उनको नष्ट किया। और शिवाजी महाराज ने जरूरतमंदों को करदान, हाथ से क्या करा करते थे, दान करा करते थे, ठीक है ना। राजन की हद राखी, इस प्रकार से हिंदू जो राजा थे, हिंदू राजाओं के गौरव का उस उन्होंने मान रखा मुसलमानों से रक्षा करके, भारतीय संस्कृति को बचा करके राजन की हद राखी, भारतीय राजाओं की गौरव की उसने क्या रखी, लाज रखी। राखी तेग बल शिवराज, इस प्रकार से तेग यानी तेज, तेग यानी तलवार होता है, तेग यानी क्या होता है, तलवार, बल, बल यानी बल पर शिवराज, इस प्रकार से शिवाजी महाराज ने या शिवराज ने अपनी तलवार के बल पर भारतीय संस्कृति और भारतीय राजाओं को बचा करके रखा, किन से, मुसलमानों से। देव राखे देवल सबद्रम राख्यो घर में, देव, देव यानी देवता, तो देवताओं की मूर्तियों को, और देवल, देवल यानी मंदिर, देवताओं के मंदिरों को उन्होंने, जो अपने हिंदू धर्म के प्रतीक थे, हिंदू धर्म के प्रतीक देवताओं की मूर्तियाँ और देवताओं के मंदिर, उनको सौ धर्म को यानी हिंदू धर्म को बचा करके उन्होंने प्रत्येक घर में जीवित रखा। इस प्रकार से मुसलमानों के द्वारा जो अत्याचार किए गए जा रहे थे, मंदिर तोड़ने का, मूर्तियाँ तोड़ने का, जबरन हिंदुओं को मार मार करके मुसलमान बनाने का, चोटी काटने का, सिपाहियों को नौकरी नहीं देना या आजीविका नहीं देना, इन सब को बचा करके रखा किसने, शिवाजी ने, ठीक है। एक बार फिर से बता देता हूँ मैं वर्बली क्या है, तीसरे पद में क्या बताया है कि शिवाजी महाराज ने वेद और पुराणों को मुगलों के द्वारा जलाए जाने से क्या किया, संरक्षित किया। उस टाइम पर मुगल क्या करते थे, वेदों को, हमारी हिंदू धर्म की जो पुरातन ग्रंथ थे वेद और पुराण, उनको जला रहे थे। तो मुगलों से वेदों और पुराणों को जलाने से किसने बचाया, शिवाजी ने बचाया। राम नाम राखी होती रसना में, और सभी को राम का नाम नहीं लेने देते थे मुसलमान, तो सभी को राम का नाम लेने की सीख दी, या सभी को स्वतंत्र होकर के राम का नाम उच्चारण करने के हौसला किसने दिलवाया, शिवाजी महाराज ने दिलवाया। क्योंकि परिस्थिति ऐसी थी कि मुसलमान राम का नाम लेने नहीं देते थे, तो राम शिवाजी महाराज ने सभी हिंदुओं को मुगलों के भय से बचाते हुए राम का नाम लेने के लिए स्वतंत्र किया। हिंदुओं की चोटी और हिंदुओं की चोटियाँ काट दी जाती थी, तो हिंदुओं की चोटी को उन्होंने संरक्षित रखा। इसके अलावा सिपाहियों को, हिंदू सिपाहियों को क्या, रोज़गार नहीं दिया जाता था, तो हिंदू सिपाहियों को रोज़गार भी मुगलों की सेना में मिलने लगा था।
इस प्रकार से जनेव जो ब्राह्मणों के द्वारा जो जनेव धारण किया जाता उस पर भी प्रतिबंध थी और गले में माला पहनने पर भी प्रतिबंध थी। तो शिवाजी महाराज ने ब्राह्मणों को फिर से जनेव धारण करना और गले में क्या माला धारण करने का हौसला दिया या इस लायक बनाया कि वापस से मुगलों के काल में ही वापस से गले में माला और कंधे पर जनेव धारण कर सकते थे। कौन? हिंदू। ठीक है, दबा कर रखा मुगलों को दबा कर रखा। और जो बादशाह था औरंगजेब के गर्व को उसने चकनाचूर करके क्या कर दिया था, नष्ट कर दिया था। ठीक है ना, उसके गर्व को, बैरियों को भी, शत्रुओं को भी उसने क्या किया, अपने वश में या अधीन कर लिया। और अपने हाथों से वो सभी जरूरतमंदों का क्या करते थे, सहयोग करते थे शिवाजी महाराज, चाहे वो मुसलमान हो चाहे हिंदू हो। तो जरूरतमंदों का क्या करते थे, वो दान करके सहायता करते थे या सहयोग करते थे। और अपने तलवार के बल पर, शिवाजी अपने तलवार के बल पर राजाओं की संस्कृति और राजाओं को बचा रहे थे। ठीक है, जैसे देवताओं की मूर्तियां और देवताओं के जो मंदिर थे वो तोड़े जा रहे थे, इस प्रकार से उन्होंने स्वधर्म हिंदुओं के धर्म की क्या की, रक्षा की। किसने? शिवाजी महाराज ने। किसके बल पर? अपनी तलवार के बल पर। आई होप यू कि बच्चों ये आपके तीसरा कवित भी समझ में आ गया होगा। देखो आगे इसी कड़ी में आगे चौथा जो कवित है, कौन सा छंद है? कवित छंद। और उस कवित छंद में क्या बताया है चौथे में, देखिए। पल उतरी पलंग ते ना दियो है धरा पे पग, तेउ सग बग निस दिन चली जाती है। ठीक है, अति अकुलाती मुरझाती न छिपाती गाथ, बात ना सोहाती अति अनखाती। ठीक है, भूषण भनत सिंह शाही के पूत सिवा, तेरी धाक सुने अरिनारी बिल लाती है, जोने में न जाती वे धूप चली जाती, पुने तीन बेर खाती ते तीन बेर खाती है। ठीक है, तो देखे क्या कहता है चौथा कवित। उतरी पलंग ते ना दियो, जो मुगल कालीन परिस्थितियों का यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है भूषण के द्वारा, तो मुगलों की जो स्त्रियां महलों में रहती थी वो उस समय उतरी पलंग ते ना थे, यानी वह मुगलों की जो स्त्रियां कभी पलंग से नहीं उतरती थी, क्या पलंग से उतर करके कभी धरती पे, जिसने धरा पर क्या पाव भी ना रखती थी। ठीक है, तो क्या कह रहे कि वे मुगलों की स्त्रियां जो पलंग से उतर करके धरती पर पाव रखने में भी संकोच करती थी, तेउ सगबग, तेउ वे सारी मुगलों की स्त्रियां शिवाजी के भय के मारे सगबग भयभीत तो होकर के निज दिन चली जाते, वो महलों से कहा कि किसकी ओर चली गई है, वनों में चली गई है। तो पहली और दूसरी पंक्ति क्या कहती है कि वह मुगलों की स्त्रियां जो कभी पलंग से उतर के धरती पर पाँव रखने में भी संकोच करती थी या शर्म करती थी, अब शिवाजी के आक्रमण से वो महलों से भाग गई है और सगबग भयभीत होने लगी है, दिन रात भयभीत रहती है किससे, शिवाजी से। ठीक है ना, अति अकुलाती मुरझाती, अति अकुलाती बेचैन रहती है, मुरझा गए उनके चेहरे, क्यों, अपने पति और पुत्रों की दशा को देख करके वो अत्यधिक अकुलाती बेचैन रहती है और मुरझाने लगे उनके चेहरे, ना छिपाती गात, और शरीर छिपाने के लिए भी अब उनके पास क्या नहीं है, स्थान नहीं है, या उनके पास इतने वस्त्र भी नहीं है कि वो अपने शरीर को छिपा सके, तन को ढक सके।
तीसरी लाइन दोबारा देखो, अति इकलौती अत्यधिक बेचैन रहती है, मुरझाती, तो मुरझाती भी है। तो मुगलों की स्त्रियाँ क्या करती है, अपने पति और बच्चों की दशा को देख करके उनके चेहरे मुरझाए रहते हैं, इस कारण से वो बेचैन हो जाती है, अकुला जाती है, न छिपाती गात, और इतने कपड़े नहीं है कि वो अपने गात यानी शरीर को क्या कर सके, छिपा सके। क्योंकि अब तो क्या, शिवाजी ने उनको महलों से भगा दिया है, उनके डर के मारे वो जंगलों में रहने लगी है मुगलों की स्त्रियाँ। बात ना सुहाती बोल अति अनखात, बात ना सुहाती, और किसी से भी बात करने की उनकी अब इच्छा नहीं होती। जो पहले कभी अंतेपुर में या राजमहलों में दासियों से बातें करता किया करती थी प्रेम पूर्वक, अब उनको किसी से भी बात करने में क्या नहीं है, रुचि नहीं है। अति अनखाती, और अब अनखाती वो बिना भोजन किए ही रहती है या बिना भोजन किए ही जीवन यापन करती है मुगलों की स्त्रियाँ। भूषण भनत, भूषण कहते हैं सिंह शाही के पूत सिवा, भूषण भनत वर्णन करते हैं कि सिंह शाही शाहजी महाराज के, शाहजी भोसले के पुत्र, शाहजी भोसले के पुत्र है, वो किसके समान वीर है, शेर के समान वीर है। आगे देखिए, तेरी धाक सुने अरनारी बिल बिल लाती है, ठीक है ना। और क्या कहते हैं कि शेर के समान जो शाहजी भोसले के पुत्र शिवाजी महाराज है, वो तेरी धाक, तुम्हारा प्रभाव, तुम्हारे वर्चस्व को सुन करके अरी नारी, अरी यानी शत्रु, नारी यानी नारिया, शत्रु की नारिया यानी मुगलों की नारिया या स्त्रियाँ बिल बिलाती है या विलाप करती है। हे शेर के समान वीर शिवाजी महाराज, आपकी धाक, आपके प्रभाव, आपके वर्चस्व को सुन करके अरी नारी, शत्रुओं की नारिया, मुगलों की नारिया बिल बिलाती है या भयभीत होती है। जोने में ना जाती ते वे धूप चली जाती पुनः, जोने में, जो कभी मुगलों की स्त्रियाँ जोने यानी चांदनी रात में नहीं जाती थी या नहीं निकलती थी, वह अब धूप में या दिन भर क्या भटकती रहती है जंगलों में, ठीक है ना। जो मुगलों की स्त्रियाँ कभी चांदनी रात में भी नहीं निकला करती थी, अब वो दिन में भटकती रहती है, किससे डर के मारे, किससे बचने के लिए, शिवाजी से बचने के लिए। वे तीन बेर खाती है। इस प्रकार से मुगलों की जो स्त्रियाँ वो तीन बेर खाती थे, वे तीन समय, युद्ध से पहले ऐसी स्थिति थी कि वो तीन समय भोजन करा करती थी महलों में मुगलों की स्त्रियाँ, लेकिन अब परिस्थिति ऐसी चेंज हो गई है कि वो जंगलों में रह करके तीन बेर खा करके या तीन बोर नामक फल खा करके क्या करती है, अपना जीवन यापन करती है। तो देखो दोस्तों, ये तीसरा कवि तो मैंने आपको बताया और अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। एक बार फिर से इसका जो हिंदी भावार्थ है वो मैं बता देता हूँ। देखो, जो मुगलों की स्त्रियाँ कभी पलंग से नीचे पाँव रखने में भी संकोच करा करती थी, आज वो शिवाजी के आक्रमण से भयभीत होकर के दिन रात काय में घुमा करती है, जंगलों में घुमा करती है, और उनके चेहरे मुरझा गए। क्यों मुरझा गए? अपने पति और अपने बच्चों की स्थिति को देख करके मुगलों की स्त्रियों के चेहरे मुरझा गए। वो अकुलाती, वो बेचैन रहती है, और उनके पास पर्याप्त वस्त्र भी नहीं है जिससे वो अपने गात यानी शरीर को क्या कर सके, ढक सके। और जो मुगल स्त्रियाँ कभी अपनी दासियों से प्रेम पूर्वक बातें करा करती थी, आज उनको बात करना अच्छा नहीं लगता, बात करने में आज उनको क्या नहीं है, रुचि नहीं है, और अनखाती। आज परिस्थिति ऐसी हो गई है शिवाजी के कारण उन मुगल स्त्रियों की कि वो अनखाती, भूखी रहती है, यानी उनको खाने के लिए भोजन भी नहीं है। भूषण कहते हैं
कि शाहजी महाराज के पुत्र या शाहजी भोसले के पुत्र जो शिवाजी महाराज है वो इतने वीर है या वीर है कि शेर के समान पराक्रमी है। किसके समान है? शेर के समान पराक्रमी है। और आगे क्या कहते हैं कि हे शिवाजी महाराज, आपकी धाक के सामने, आपके प्रभाव के सामने जो मुगलों की स्त्रियां है वो भयभीत रहती है या डरती रहती है। जो मुगल स्त्रियां कभी चांदनी रात में या चांद रात में कभी नहीं निकला करती थी, आज वो दिन में आपसे भयभीत होकर के दिन में भटकती रहती है, ठीक है ना। और जो मुगलों की स्त्रियां कभी तीन समय खाना खाया करती थी, वो आज उनकी दशा ऐसी है कि उनको तीन समय तो छोड़ो, वो जंगलों में रह करके बेर खा करके, बोर नामक फल खा करके अपने जीवन का क्या कर रही है, गुजारा कर रही है। इस प्रकार से ये चौथा कविता आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है दोस्तों। एक कविता और पढ़ा देते हैं, ठीक है। देखो, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती है। कंदमूल भोग करे, ठीक है। तीन बेर खाती है भूषण शीतल अंग विजन डुलाती है, ठीक है। भूषण भनत शिवराज वीर तेरे त्रास नग्न जड़ाती है। देखो तो इस कविता का भावार्थ करते हुए क्या कहते हैं कवि, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाले कभी मुगलों की स्त्रियां ऊंचे जो महल, शोभायमान महल हुआ करती थी, उनमें निवास करती थी, ठीक है ना। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती है। आज परिस्थिति विपरीत हो गई है। जो मुगलों की स्त्रियां ऊंचे महलों में निवास करती थी, आज शिवाजी के आक्रमण या अटैक के भय से वो अब गुफाओं में या कदराओं में रह करके छिपती फिरती है, ठीक है ना। तो एक मंदिर तो काय के लिए आया है, महलों के लिए। यमक अलंकार दिख रहा है यहाँ पर, यमक की छटा भरपूर है यहाँ पर। एक जो प्रथम जो मंदिर आया है वो तो काय के लिए, महलों के लिए, और दूसरा जो मंदिर आया है वो काय के लिए आया है, गुफाओं के लिए। तो जो कभी महलों में रहा करती थी मुगलों की स्त्रियाँ, आज शिवाजी के भय के कारण क्या गुफाओं में या कंदराओं में छिप करके रह रही है, ठीक है। आगे देखो, कंदमूल भोग करे। कंदमूल का एक अर्थ तो यहाँ पर मिश्री है, मिश्री मेवे, ड्राई फ्रूट जिसको बोलते हैं, सूखे मेवे। कंदमूल भोग करे, अगली अर्धाली में जो कंदमूल आया है वो कंद मूल यानी जड़े, ठीक है। तो मुगलों की स्त्रियां पहले क्या मिश्री मेवे खाया करती थी जब महलों में रहती थी, लेकिन अब जंगलों में रहने लगी है तो अब जीने के लिए मूल यानी जड़, पेड़ पौधों की जड़ें खा करके क्या कर रही है, अपने प्राणों का रक्षण कर रही है। तीन बेर खाती है। इसी प्रकार आगे बताया है यमक के माध्यम से ही कि तीन समय खाना खाया करती थी इससे पहले, जब शिवाजी ने आक्रमण नहीं किया था, कौन, मुगलों की स्त्रियां। लेकिन अब महलों से जब वो भगा दी गई है शिवाजी के द्वारा, तो वो तीन समय खाना तो छोड़ो, वो जंगलों में बेर नामक फल खा करके अपनी आजीविका चला रही है या जीवन चला रही है। भूषण शीतल अंग, पहले उनके अंग शीतल हुआ करते थे, उनके अंगों पर शोभायमान हुआ करते थे क्या, भूषण, आभूषण, गहने। पहले उनके
अंगों पर भूषण, यानी क्या, यहाँ पर एक भूषण काय के लिए है या आभूषणों के लिए, पहले गहने हुआ करते थे उनके अंगों पर भूषण शीतल अंग, अब दूसरा जो भूषण आया है भूख के लिए आया है। अब परिस्थिति उलट हो गई है कि अब उनके अंग शीतल हो गए, कमजोर हो गए, निस्तेज हो गए, काय के कारण, भूख के कारण। ठीक है, आगे देखो मित्रों, विजन डुलाती ते वे विजन डुलाती है। पहले महलों में जब रहती थी तो विजन डुलवाती थी, विजन का मतलब होता है पंखा, पंखे से हवा खाती थी दासियों से। एक विजन काय के लिए है, प्रथम विजन पंखे के लिए है, विजन डुलाती है, और दूसरा विजन काय के लिए, विजन यानी जहाँ पर जन नहीं होता है, निर्जन जंगलों में। ठीक है ना, तो पहले मुगलों की स्त्रियाँ दासियों से विजन यानी पंखा डुलवाया करती थी, पंखे से हवा खाया करती थी, लेकिन अब विजन में, यानी अब वो दूसरा विजन काय के लिए आया, जंगल के लिए आया है, अब वो जंगल में रहती है। भूषण भनत शिवराज वीर तेरे त्रास, भूषण कहते हैं, भनत यानी वर्णन करते हैं, शिवराज है शिवाजी महाराज, वीर तेरे त्रास, आपके भैसे, आपके भैसे, आपके भैसे कौन ग्रसित है, मुगलों की स्त्रियाँ, या मुगलों की स्त्रियाँ आतंकित है आपके भैसे, नगन जड़ाती थे वह नगन जड़ाती है। पहले इसमें भी यमकी है, नगन, नगन का मतलब नगिनों से जड़े हुए आभूषण पहना करती थी पहले महलों में जब रहा करती थी, वह नगन जड़ाती है, लेकिन अब परिस्थिति बदल गई है, अब नग्न यानी निर्वस्त्र, नग्न अवस्था में जड़ाती जाड़े में, सर्दी में, अब जंगलों में रहने के कारण जाड़े में वो निर्वस्त्र या अर्धनग्न अवस्था में वनों में रहती है, जहाँ पर उनको क्या लगता रहता है, जाड़ा या सर्दी लगती रहती है। तो आई होप यू कि आपको ये पांचवा जो कवित है वो भी समझ में आ गया होगा। एक बार इसकी जो व्याख्या है वो हिंदी में वापस से मैं आपको रिकॉल करवा देता हूँ। देखिए, मुगलों की स्त्रियों की दशा का यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं, और किसके पराक्रम का वर्चस्व स्थापित कर रहे हैं, शिवाजी के, कि जो पहले ऊंचे ऊंचे महलों में रहा करती थी मुगलों की स्त्रियाँ, आज वो गुफाओं में छिप करके रहने लगी है। ठीक है, पहले कभी मिस्री मावा या मिस्री मेवे खाया करती थी, वो आज कंदमूल यानी पेड़ों के मूल या पेड़ों की जड़ों को खा करके अपने जीवन बचा रही है। पहले तीन समय खाना खाया करती थी महलों में रहते समय, कौन, मुगल स्त्रियाँ, और अब तीन फल खा करके जंगलों में रह करके अपने जीवन को बचा रही है। पहले उनके अंगों पर भूषण यानी गहने लदे रहते थे, अब उनके अंग ढीले पड़ गए, निस्तेज हो गए, कमज़ोर हो गए, किसके कारण, भूषण, भूषण का यहाँ पर क्या है, भूख, भूख से निस्तेज हो गए उनके शरीर। पहले दासियों से विजन डुलवाती थी, विजन का मतलब होता है पंखा, पंखे से हवा खाया करती थी, लेकिन अब विजन में रहती है, अब जंगलों में भटकती है। भूषण भनत शिवराज की, हे शिवाजी महाराज, आपकी वीरता के सामने ये मुगलों की स्त्रियां त्रस्त त्रस्त, दुखी है, भयभीत है, आतंकित है। इस प्रकार से कभी मुगलों की स्त्रियां नगिनों से जड़े हुए आभूषण शरीर पर धारण करती थी, लेकिन अब क्या है कि शिवाजी ने जब उनको महलों से खदेड़ दिया है, भगा दिया है, तो वो जाड़े में उनके पास कपड़े भी पर्याप्त नहीं है, वो अर्धनग्न स्थिति में जाड़े में ठिठुरती रहती है। तो समझ में आ गया होगा दोस्तों, इस प्रकार से आज की इस क्लास में इतना ही काफ़ी है, और आगे के बिंदु पर अगली क्लास में अपन चर्चा करेंगे। थैंक यू।